रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आप लोगों का नाजिमस किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग रेसिपी शेयर करूंगी, वो है ढाबा स्टाइल चिकन डबल एग का। जी हाँ, आप लोगों ने कभी ये रेसिपी बनाई हुई नहीं होगे, तो आज मैं आप लोगों के साथ ये यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये ढाबा स्टाइल है, अक्सर ढाबा में ही ये मिलता है चिकन डबल एग का। की एक बार हम ढाबा गए थे तो वहां पर खाए थे, तो मुझे तो बहुत ही मजे की लगी थी और जबरदस्त थी खाने में और बहुत ही डिलीशियस थी। तो मैंने आज मैं ही वो रेसिपी बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है और ये चिकन बोनलेस है। मैं चिकन बोनलेस का ही बनाऊंगी आज। तो अक्सर ढाबे में चिकन बोनलेस का ही मिलता है, तो मैं चिकन देखिए इसे मैंने इस तरह से छोटे क्यूब्स में कट करी हूँ। इसे अच्छी तरह से वॉश करके पानी पूरा ड्रेन करना है, ऐसा पानी नहीं रहना चाहिए इसमें, ठीक है। देखिए इसे अच्छे से छोटे पीस एकदम क्यूब्स में कर लिया, अब आपके हिसाब से कट करिएगा। मैंने इस तरह से करी हूँ। अभी इसे हमें मैरिनेट करना है, तो मैरिनेट में क्या क्या चीज चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये है, इसमें मैंने कोथमीर ली हूँ, 1 कप हरा धनिया ली हूँ इसमें, और इसमें मैंने 3 से 4 ग्रीन चिली ऐड की हूँ। जितना आप लोग स्पाइसी खाते आप लोग आपके हिसाब से स्पाइसी करिए। मैंने इसमें ग्रीन चिली ली हूँ और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को मैंने पेस्ट बना के रेडी कर ली। मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, क्योंकि फिर मैं जल्दी बना के बता रही हूँ मैं इसमें क्या क्या ऐड करी मैंने आप लोगों को दिखाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग तो समझ गएंगे मैंने इसमें क्या क्या ऐड किया गार्लिक पेस्ट। इन तीनों को मैंने पेस्ट बना ली और पेस्ट बना के ये पेस्ट इसमें ऐड होगा, ये पूरा सारा पेस्ट इसमें ऐड कर देने का हमें, ठीक है। इसमें भी पेस्ट ऐड कर दी। अभी इसमें एक अंडा ऐड जाएगा, इसमें ये एक अंडा ली, उसे मैंने अच्छी तरह से फेट ली, फेट कर भी इसमें ये भी ऐड कर दूंगी मैं इसमें अंडे को भी। अभी इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जाएगा, 1 टेबलस्पून मैदा है ये ऐड करेंगे, और ये ब्रेड क्रम है, 2 से 3 टेबलस्पून ब्रेड क्रम है। ये ब्रेड क्रम, ये चिकन डबल एग का में ब्रेड क्रम ऐड होता है, ये ब्रेड क्रम ऐड करेंगे हम। देखिए आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप लोग भी बराबर देखिएगा और बनाइए और ट्राई कीजिएगा। देखिए ये लेमन जूस है, पूरा अखा लेमन जूस, लेमन है उसका मैंने जूस। आप लोगों को चाहिए तो आप लोग विनेगर भी यूज कर सकते, लेकिन मैंने लेमन जूस यूज किया है। और ये 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ली हूँ, 1/2 से 1 टेबलस्पून जितना टीस्पून वो ब्लैक पेपर है। और ये सॉल्ट ली हूँ, सॉल्ट आप आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से लीजिएगा, ओके। अभी ये ग्रीन फूड कलर ये ऐड करती हूँ मैं, ये भी ऐड करेंगे तो इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग यूज करिए, वरना स्किप कर दीजिए। अभी इसे हम सबको मिक्स करेंगे, ओके, इस तरह से अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर लेती हूँ, हाथ से मिक्स करना तो अच्छी तरह से मिक्स होगा, स्पून से नहीं अच्छी तरह से होता, हाथ से अच्छी तरह से पूरा जो मसाला है अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, देखिए कलर भी देखिए आप लोग, ग्रीन कलर, ग्रीन फूड कलर डाले तो कलर भी अच्छा बेहतरीन आया इसका। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ग्रीन कलर, अगर आप लोग को नया पसंद करते तो आप लोग अवॉइड कीजिए, बट मैंने डाली हूँ, ठीक है। देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया, ठीक है, अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। देखिए अभी इसे मैंने ना अच्छे से पैक कर लिया है। देखिए अभी इसे हमें मैरिनेट करना है, मैं इसे मैरिनेट के लिए मैं इसे 2 से 3 घंटा में इसे रेस्ट दूंगी, ठीक है। फिर 2-3 घंटे के बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। इसे हम अभी फ्रिज में रख दूंगी। देखिए फ्रेंड्स 2 घंटा हो गया इसे मैरिनेट होते हुए, देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गया। अभी इसे हम
फ्राई करेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड, देखिए मैंने यहाँ पे तेल ऑलरेडी गरम करने रख दी थी। अभी हमें एक 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 चिकन के पीस है इनके फ्राई में इसे फ्राई करना है। हमें इसे स्लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। ओके, एक एक पीस को हम उठा के इसमें ऐड करते जाएंगे इस तरह से। देखिए मैंने एक एक पूरे पीस डाल दी हूँ और बाकी का अभी एक बैच कर रही हूँ, दूसरा बैच बाद में करूंगी। देखिए अभी इसे हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, थोड़ा इसे कुक होता फिर हम इसे टर्न करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अभी इसका कलर चेंज होगा, जब तक हमें फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे ही करना है। मैंने थोड़ा मीडियम टू लो कर दी, एकदम स्लो था वो, फिर थोड़ा मीडियम टू लो कर दी मैंने फ्लेम को। अभी देखिए इस तरह से यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ये पीस ये कलर चेंज हो, इस तरह हमें फ्राई करना है। तो मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से और प्यार से बनाए शेयर की हूँ, तो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताना आप लोग को कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। और आप लोगों का कमेंट आता है तो मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों के कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए, फीडबैक दीजिए और सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए। और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को कौन सी मेरी रेसिपी और देखना चाहोगे, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी रेसिपी, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। देखिए फ्रेंड्स अभी कलर चेंज हो रहा है ना, अभी हमें और थोड़ा ये जो दिख रहा है ना वो थोड़े से फ्राई करेंगे फिर इसको डिसाइड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स अभी हमें इसे डिसाउट करना थी, ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसे और मसाले ऐड करके इसे सॉसेज बना के हमें इसे प्रिपेयर करना है। अभी वो आगे का प्रोसीजर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अभी फिलहाल मैं ये फ्राई करके आप लोगों को दिखा रही थी। देखिए अभी इसे डिसआउट करेंगे, ये एक बैच, अभी दूसरा बैच भी हम तैयार करते हैं। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है ना। देखिए चिकन तो फ्राई करके रेडी हो गया, अभी इसका सॉसेज बनाना है हमें और टेस्ट लाने के लिए। देखिए अभी इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल ऐड करी हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी तेल गरम हो गया, अभी इसमें हम ये मैंने 6 से 7 कली लहसुन की आती है इसे मैंने अच्छी तरह से चॉप कर दी, फाइन चॉप कर दिए, और ये हाफ जिंजर है इसे भी अच्छी तरह से फाइन चॉप कर दिया। अभी ये दोनों हम इसमें ऐड करेंगे। अभी इसे थोड़ा हल्का सा सोटे करना है, हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा, फिर खुशबू आए लहसुन और जिंजर की। इसके बाद हम सॉसेस ऐड करते आप लोगों को दिखाती। देखिए बस इतना ही हमें चाहिए। अभी हाफ टीस्पून मैंने सोया सॉस ली और ये 1 टेबलस्पून चिल्ली सॉस है, ये ग्रीन चिल्ली सॉस है, ये मैं ऐड करती हूँ साथ साथ। ओके, ब्लैक पेपर काली मिरी पाउडर ये 1/2 टेबलस्पून है, और थोड़ा टेस्ट लाने के लिए ये ऑरिगेनो है ये 1/2 टीस्पून है, ये थोड़ा ऐड कर रही हूँ तो थोड़ा टेस्ट आए इसमें। ये 1/2 टीस्पून मैंने वो डाली हूँ चाट मसाला। अभी पिंच ऑफ ग्रीन फूड कलर ये ऐड करेंगे क्योंकि हम चिकन डबल एग का बना रहे हैं ग्रीन, तो इसके लिए ग्रीन हरा फूड कलर मैंने इसमें ऐड करी हूँ मैंने। अभी इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज जाएगी वो है क्रीम, आप लोग कोई भी ब्रांड का क्रीम ले सकते हो। ओके,
मेरे पास तो ये सऊदी का है पैक, मेरी बेटी आई थी तो लाई थी, तो मैं ये ऐड करती हूँ। आप लोगों को चाहिए तो अमूल फ्रेश क्रीम भी आप लोग ऐड कर सकते हो। देखिए इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। ओके, देखिए इसका कलर, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करी, 2 टेबलस्पून मैंने सिर्फ पानी इसमें ऐड करी हूँ, तो बहुत थिकनेस था ना इसके लिए थोड़ा सा पानी ऐड करी मैंने, ज्यादा नहीं, ओनली 2 टेबलस्पून। ओके, इसमें सॉल्ट भी ऐड करना है, आप लोग आपके अकॉर्डिंग के हिसाब से सॉल्ट ऐड कीजिए, आप लोग जितना खाते हैं। और एक सीक्रेट रेसिपी जाएंगी इसमें, वो है चीज, चीज भी इसमें ऐड होगा, तो ही खाने में कर डबल धमाका होगा ना, वो यम्मी यम्मी डिलीशियस बनेगा। थोड़ा चीज भी ऐड कर दी हमने। ओके, देखिए यम्मी यम्मी, देखिए अभी जो फ्राइड चिकन हमने फ्राई किया था ना, ये ऐड कर देंगे इसमें। देखिए अभी मैंने इनको मिक्स कर दी, देखिए हमारा चिकन डबल एग का बन के रेडी हो गया फाइनली, इस कम्प्लीट। अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और फिर आप लोगों को डिश ऑफ करके दिखाते। चलिए फ्रेंड्स अभी आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही अमेजिंग बना है और जबरदस्त बन के रेडी हुआ है। आप लोगों को आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फ्रेंड्स अभी इसको हम और अच्छा जायका लाने के लिए इसमें चीज स्प्रेड करेंगे और मजे का लगेगा ये खाने में। देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक यम्मी यम्मी बनके रेडी हुआ है और बहुत ही जबरदस्त बना है। और आप लोगों को देखिए मैं दिखाती हूँ, इतना यम्मी यम्मी है। देखिए आई होप आप लोगों को आज की मेरी रेसिपीज पसंद आएंगी। अगर पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और फिर मैं मिलती हूँ एक अच्छी नई नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, टेक केयर, बाय।